क्योंकि उनका धर्मूल समय उन्हीं के कार्य के लिए है जो भी कला है। उन्होंने बोला कलाकार माँ, कितने उन्होंने आपको अच्छे अच्छे शब्द दिए, हमने आपको एक शब्द दिया स्ट्रगल, स्ट्रगल हमने तपस्वी है, तो हमने उसी तपस्वी उनका तपस्वियों का प्लेटफॉर्म है जो कहीं भी अच्छा नहीं होना चाहिए उसको हम जरूर मौका देने वाले हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एंड फिल्म एसोसिएशन का मैं फाउंडर चेयरमैन हूं, जो योगी जी योगी आदित्यनाथ ने भी जो बिल उठाया हमारे सीएम साहब ने, तो उसी छोटा सा पार्ट में बहुत मुश्किल से आप कहीं आते हैं, और कहीं आते हैं तो उसकी कोई खास वजह होती है, यहाँ आने की खास वजह? ये आपको वजह तो बहुत अच्छे से संजय जी ने बताई कि एक ऐसे फौजियों का एक ऐसे फौजी जिन्होंने देश की सेवा करते करते और इन्होंने एंटरटेन के माध्यम से भी लोगों की सेवा करने की कोशिश की, और मुझे अच्छा ये लगा कि विकास मलिक जिन्होंने ये सब लोग आईआईटी से बहुत अच्छे लोग और डिजिटल वर्ल्ड से जो है बहुत इनका, जब हमने इनसे कई बार मीटिंग की और इन्होंने जब अपनी हमें बताई कि वीसीआर प्ले जो है हम लॉन्च करना चाहते हैं, तो हमें उसमें ये सब भावनाएं सबसे अच्छी इनकी नीति और नियति पे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी इनकी आज जो टीम जो बैठी है उसमें यहाँ से लेकर दिल्ली तक बड़ी ईमानदारी दिखी, बड़ी एकरूपता दिखी, बड़ी सामंजस्य दिखा, और बीसीआर प्ले के माध्यम से पूरी दुनिया को एक ऐसा ओटीटी लॉन्चिंग पैड ये दे रहे हैं जिसमें हज़ारों बच्चों बच्चियों को मौका मिलेगा अपना अच्छा कॉन्सेप्ट उसमें डालने के लिए, और बहुत सारे कम से कम 4000 घंटे का पिछले मतलब 2-3 साल में एक कलेक्शन करना प्रॉपर पूरे, जिसमें वीडियोस के माध्यम से अलग अलग तरीके कंटेंट, तो ये एक आई थिंक ये एक ऐसा जो है ओटीटी इन्होंने पेश करने की कोशिश की है जिसमें एंटरटेनमेंट, फैमिली ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट, और जवान एक बोलते ना कि अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग कंटेंट बनते हैं, और हम हर कंटेंट की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो बीसीआर प्ले के माध्यम से कंटेंट आपके सामने परोसना चाहते हैं उसमें दादी नानी और बच्चा बूढ़ा नौजवान सबके लिए मनोरंजन एक समान, चाहे मंदिर में दिखाओ चाहे मस्जिद में दिखाओ, मनोरंजन का मतलब किसी को बुरा ना लगे, किसी को अटपटा ना लगे, और जब अटपटा और बुरा नहीं लगता है तो मनोरंजन मन को छूता है, ये इनकी नीति में हमें बड़ी एकरूपता दिखी। और इन्होंने विकास ने इसको, क्योंकि ये लोग आईआईटी की लोग हैं जो लोग टेक्निकल वर्ल्ड के लोग हैं, और इन्होंने जब इसकी पूरी एक ने कई मीटिंग्स में हमें बहुत अच्छा कन्विंस किया, तो आज मैं इनकी टीम के साथ में एक पात्र बन के कि कह सकते हैं कि एक प्रमोटर के रूप में और इस डीसीआर प्ले को पूरे दुनिया के लोग इसका मज़ा लें और इसका खूब फ़ायदा उठाएँ, ये कभी प्ले पाठशाला के माध्यम से, कभी वीडियोस के माध्यम से, कभी अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कभी फिल्म के माध्यम से, कभी मनोरंजन के माध्यम से, और दुनिया में जो बोलते हैं ना कि वीडियो करंट रिकॉर्ड्स, जिसमें दुनिया की हर चीज़ को दिखाया जा सकता है, जिसमें कुछ ऐसा हो और जो करंट में हुआ हो और दिखाया जा सके, तो बिल्कुल ये ओटीटी का जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। इसके मालिक, इसके कैप्टन मिस्टर संजय कुमार और मैं, इन लोगों ने जब कि भैया हम चाहते हैं कि इसको आप हमारे प्रमोटर के रूप में हमारे साथ में रहें, और हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो एक अच्छे ओटीटी का हिस्सा बने, मैं सौभाग्यशाली हूं कि अपने देश में जितने भी ओटीटी हैं सबका हिस्सा होने का सौभाग्य मिला, और इसका भी एक पात्र होने का, एक विशेष पात्र होने का, एक विशिष्ट पात्र होने का सौभाग्य मिला है, तो ये अब हमारा ओटीटी आप सबको समर्पित है। हर उस बच्चे बूढ़े नौजवान जिसके अंदर क्रिएटिविटी जिंदा है, उसके क्रिएटिविटी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए आपके सामने समर्पित है। संजय जी, जब राजपाल यादव जैसी शख्सियत
आपके प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं या उसके बारे में अच्छा अच्छा कहते हैं, जब कहते हैं कि आप फैमिली के साथ दे सकते हैं, कितनी हौसला अफजाई होती है? हौसला है जी भरपूर, क्योंकि हम आते ही ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो है अर्धसैनिक बल CISF के हम सोल्जर हैं और हमारे साथ कमांडो जुड़े हुए हैं, तो हौसला जो है ये हमारे परमाणु हैं और परमाणु अभी तक दो ही बार ट्राई हुआ है और फिर उसका खौफ सारा जिंदगी बना रहा है, तो अब सोचिए हम कहना क्या चाहते हैं, आप ही डिसाइड कीजिए। हम मनोरंजन के परमाणु जिसमें जिसमें हम एक अच्छा एक चलो अगर ये हमें परमाणु भी बोलते हैं तो चलो हम परमाणु बनना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसे परमाणु बनना चाहते हैं जब जब हमारे मुंह से कुछ भी फूटे लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, लोगों का ब्लड अच्छा हो। बस राजपाल भाई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप जवाब देना चाहें तो जी आपकी इच्छा के ऊपर है, आज शाहरुख के बेटे आर्यन खान को लेकर जिस तरह की पूरा माहौल बना है, NCB की कस्टडी में है, उनको दो दिन की कल एक दिन की रिमांड पे भी लिया गया, आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे क्यों गुमराह हो रहे हैं? ये हमारे लिए भी बड़ी अजीब सी न्यूज़ है और आज जब आपने हमसे पूछा है तो हम खुद ही बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और सब अच्छी राह पे आए, क्योंकि हमारा ये अगला फ्यूचर है, हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं बच्चे बच्चियाँ, सबको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए और सबको सही दिशा सही राह मिलनी चाहिए, सब सही दिशा में सही राह चले, बस यही दुआ करता हूँ, बाकी क्या है कैसा है मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं। राम सर, श्री राम सर, आइए प्लीज। बाद में मैं हाजिर हुआ हूँ मेरी बेटी स्नेहा शंकर, मेरे बेटे आदित्य शंकर के साथ एक नया OTT प्लेटफॉर्म जो कि VCR प्ले के नाम से लॉन्च हुआ है, हमारे मित्र संजय की तरफ से ये लॉन्च हुआ है और राजेश श्रीवास्तव जी ने खास तौर से मुझे इनवाइट किया था इस फंक्शन के लिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है जिसमें साफ सुथरा कंटेंट मिलेगा लोगों को और ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे कुछ लोगों को सीखने का मौका मिले, जिससे कुछ प्रेरणा मिले। तो ये जो OTT है ये फैमिली में बैठ के सब देख सकते हैं, इस तरह का OTT प्लेटफॉर्म है ये, तो मेरी हार्दिक शुभकामना है। और इसी OTT प्लेटफॉर्म पे एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सपने जिनके हो गए अपने जो कि राजेश श्रीवास्तव जी लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू होगा, बहुत गणमान्य व्यक्तियों का इंटरव्यू होगा और उस शो का जो टाइटल ट्रैक है वो मेरी बेटी स्नेहा शंकर ने गाया है और मेरे बेटे आदित्य शंकर ने उसको कंपोज किया है। तो मेरी हार्दिक शुभकामना है इस OTT प्लेटफॉर्म के लिए, VCR प्ले के लिए, कि ईश्वर इनको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दे। माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विद देम। स्नेह आप क्या कहेंगे, आज नया कार्यक्रम शुरू हुआ है आप भी देख लो, क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ VCR प्ले, स्पेशली संजय जी, थैंक यू सो मच। एंड सपने होंगे जिन सपने जिनके हो गए अपने, सपने जिनके हो गए अपने का जो टाइटल ट्रैक है वो मैंने गाया है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि ये मेरी आवाज़ में रिलीज हुआ है एंड आदि भैया का इसमें म्यूजिक है। एंड मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत बहुत आगे बढ़े एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम ऑफ। एक लाइन हो जाए जरूर। जिनके चाहत और लगन से, जिनकी मेहनत और जतन से कदमों में लगी दुनिया झुकने, सपने जिनके हो गए अपने, सपने जिनके हो गए अपने। थैंक यू सो मच। राजेश जी आप क्या कहेंगे, आप नया प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, क्या कहना है? चलिए सर, आइए जी जी। राजेश जी बोलिए बोलिए, क्या कहेंगे सर? VCR प्ले सबसे पहले तो हमारे छोटे भाई संजय जी को बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद और ईश्वर उनको बहुत तरक्की दे। और सबसे बड़ी बात तो मतलब इनकी ये है कि इन्होंने जब ये कदम आगे बढ़ाया, उनसे बोला भैया ये करना है, तो मैंने इनसे बोला भैया देखो OTT वाला तो हमको बात मत करो, OTT वालों के पीछे तो पड़ा हूँ मैं भी, आप भी काफी पीछे पड़े हो, गंदगी मनोज बाजपेयी सबको सबको आपने कहा ली है
और प्रधानमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्रालय को मुझे जवाब देना पड़ा। चार दिन पहले उनका मेल आया मुझे ऑफिसियल, उन्होंने बोले सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक महीने पहले भी मैंने सबको हंगामा करके कार्रवाई करवाई है और चार दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय का लेटर आ गया, सूचना प्रसारण मंत्रालय का लेटर आ गया कि भैया सख्त कार्रवाई होगी और अभी कोई भी कहीं भी कोई गंदगी दिखे सिद्धराज श्रीवास्तव को फोन कीजिए, सारे के सारे ओटीटी सब बंद। खैर वो हो गया बात अलग। अब रही बात संजय भाई की, जब उन्होंने बोला कि भाई मैं करना चाहता हूँ तो मैंने इनको पहले बोल दिया कि ओटीटी पे अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। उन्होंने बोले भैया मैं तो आपको मालूम है आर्मी बैंड कमांडर, देश की संस्कृति बचाने के लिए हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें तो कभी ऐसा एक सीन नहीं आएगी हम अपने परिवार साथ ना दे सकते। उनसे वादा किया और मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, सारी दुनिया साथ है। आज देखिए यहाँ पे इतनी जनसंख्या में मीडिया लोग सब लोग कौन सी बात नहीं आ गए। मैंने अभी दो चार बड़े बड़े इवेंट में देखा मीडिया दिन नहीं थी, जो आज कार्यक्रम में आप सब लोग आ गए, वाह क्या बात है, बहुत बधाई, बहुत आशीर्वाद। मतलब संकेत ऐसे है कि ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। और क्या डब्ल्यू क्या लिया कि नहीं, डब्ल्यू आर सी लिया क्या, लिया क्या नहीं लेना, मैं तुमको पैसे खर्च कर दूंगा। क्या बात है अजय जी, आप अरे जी आप लंदन जा रहे, सुना है कुछ अवार्ड लेने के नॉमिनेशन हुए, क्या अच्छा बताइए। तो बहुत बहुत क्या है कि अभी शिक्षा दान अभियान के तहत जो हमारे कार्यक्रम चल रहा था तो अभी मुझे वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया हुआ है, वहाँ से मुझे सम्मान भी मिला है। तो वहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ लंदन की जूरी ने मेरे वेबसाइट को सर्च करके, मेरा गूगल सर्च करके, मेरे शिक्षा दान अभियान के कार्यक्रम को सर्च करके, उनकी जूरी ने जो लंदन में 29 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में टॉप 10 लोगों में मुझे सिलेक्ट किया। जब मुझे वहाँ की जूरी का मेल आया, उनका सारा वो आया, तो मैं तो मतलब हाथ मेरे ठंडे थे कि यही चमत्कार कैसे हो सकता है। तो मैं बोला नहीं, सब ईश्वर की कृपा है, सब भाइयों का प्यार है, लोग मेरे लिए रिकमेंड कर रहे हैं, किसी ने मेरे रिकमेंड किया, मुझे मालूम नहीं कौन कर रहा है, ये ईश्वर की शक्ति वो कराती है। तो 29 को इवेंट है, अब देखो क्या। जब मैं मेरी इनसे मीटिंग हुई थी, जब मुझे पता चला कि सारे फौजी भाई हैं, तो उससे पहले मेरा सीना चौड़ा हो गया कि यार अब फौजी भाई अगर आ गए तो 100% कुछ अच्छा काम होगा, क्योंकि मैं नहीं कहता कि कोई दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म ख़राब है, सारे प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर अच्छे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर वाकई में जो जिनके पास टैलेंट है, जो लोग देखिए, अब मोबाइल आ चुका है, मोबाइल यानी कि अब आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक्टर बन सकते हो, आप जो डांस करते हो, कुछ भी करते हो, अपना वीडियो बनाइए और यहाँ पर VCR पर मिले आकर ओटीटी फिल्म बुला रहे, वाह वाह अस्थि भी एकदम मस्त रहे। और आज सबसे बड़ी बात, आज के प्रोग्राम में मैं बहुत भावुक हो गया जब 3 जवानों ने मुझे सल्यूट दिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, और वाकई में मैं ऐसा पल मेरे लिए आज तक कभी नहीं आया कि कोई जवान मेरे लिए सल्यूट करेगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, ये मैं दिल से सल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक फौजी जब रियल फौजी जब मैं कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, फौजी के कॉस्ट्यूम पहन के मैं ये अटेंड करता हूँ, जब मैं रंगमंच पर जाता हूँ ये कॉस्ट्यूम पहनकर, तो लोगों का भी खून खोल जाता है, वो है ये आइटम, लोग खड़े रहते हैं स्टैंडिंग में। लेकिन आज एक जवान, जब 3 जवान मुझे मिलने आए, मुझे सल्यूट किया, मैं वाकई में मेरे आज ये यहाँ पर आना मेरा एकदम कहते हैं ना एकदम, मैं कोई बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत खुश हुआ। बिल्कुल हाँ, देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके बेटे, शाहरुख खान के बेटे गिरफ्तार हुए, अगर वो वाकई में अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो सजा मिलनी चाहिए, अगर इनोसेंट है तो नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ बातों में, कभी हम लोग एक नाम आ जाता है और नाम के जरिए हमको खाली एक ये बात मीडिया में होती है कि फलाना पकड़ गया, ये जब तक कोर्ट नहीं बोले किसी पे नाम मत रखिए, किसी का नाम मत आने दीजिए। उन्होंने कुछ कबूला होगा, अगर कबूला है तो कोर्ट और पुलिस जानती है सर, हम तो कलाकार है सर। आपको क्या लगता है आजकल के जो बच्चे ड्रग्स काफी यूज करने लग गए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए जैसे कि मैं जाता हूँ, समीर वानखेड़े साहब जो है वो जब से आया है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया है, मतलब काम करने वाला कोई आया है, कोई भी हो, चाहे सेलिब्रिटी का बच्चा हो, चाहे नेता का बच्चा हो, वो किसी को नहीं छोड़ते, सबको पकड़ते हैं।
बस मैं यही कहता हूँ कि इनोसेंट होना वो और उसको कोई सजा मिले या उसके बारे में कोई अनाप शनाप हो वो नहीं होना चाहिए। दिल से कहता हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, और जो आप बोल रहे हो अगर अगर उन्होंने कबूला है तो पहली बार एक मौका देना चाहिए, क्योंकि बच्चा बच्चा ही होता है, हर बच्चे गलती करते हैं, चाहे मेरा हो या किसी का भी हो, उनको बहुत उसके बाद अगर गलती करता है तो फिर कोर्ट जानता है सजा क्या होनी है। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहोगे आज जहाँ पे गंदगी दिखाई जाएगी आप? तो आज इस इवेंट पर लॉन्च पर पहले से ही बता दिया गया है कि कोई न्यूडिटी नहीं रहेगी या फिर कोई अदर कंटेंट नहीं रहेगा जिससे समाज को कोई गलत मैसेज मिलेगा। एज एन आर्टिस्ट सभी के लिए बहुत ही अच्छे सौभाग्य की बात है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म आया है जहां पर फ्रेश टैलेंट को इनफैक्ट सिखाया भी जाएगा, उन्हें आगे बढ़ाया भी जाएगा। तो ये कम्प्लीट इवेंट इसी के लिए था। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कम्प्लीट प्रोजेक्ट जहाँ पर संजय जी और कम्प्लीट टीम ने इसको डिस्क्लोज किया है आज। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहते हैं? मेरा नाम राष्ट्रीय गीतकार आलोक कुमार है, और कलाकारों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर उन कलाकारों के लिए मंच प्रदान करना, और जैसा कि सभी ने बोला, अभी मैम ने भी बताया, अश्लीलता की इस मंच पर कोई जगह नहीं है। और संजय भैया एक बार, और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, और इस मंच की सबसे बड़ी, इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी यही है, यहाँ पर अश्लीलता और अभद्रता का कोई स्थान नहीं है। तो मैं बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मेरे प्रिय बड़े भैया संजय जी को, और ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, देसी आदमी है, सीधे साधे सवाल मेरे सीधे साधे होने चाहिए, पहले बता दिए। भाई कोई बात नहीं, कटिए भी पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन कट कर लेना बस। बाबूजी को बोलने की जरूरत नहीं, तुम खाली बोलते रहो। अभी से कहना चाहूंगा, विश्वास जी का लॉन्च हुआ है, संजय जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत-बहुत है, और अवेंद्र रावत और राजपाल जी ने बहुमत समय दिया इस इवेंट के लिए, कर रहे हैं ये पूछने के बहुमत समय दिया सभी लोगों ने, राजपाल जी ने और हमने, हमारे ओटीटी के बारे में आपको क्या कहना भाई? ओटीटी के बारे में मेरा यही कहना है, अपने संजय भाई के लिए और सभी इनकी पूरी टीम के लिए हमारा आशीर्वाद भी है, और हम इस वीसीआर प्ले को हम आगे बढ़ाएंगे तरीके से। तो आपको वेब सीरीज वगैरह देखते हैं? वेब सीरीज देखते हैं आप? जी मैं वेब सीरीज देखता हूँ। हाँ, देखते हैं अच्छी, खासकर मुझे क्राइम की अच्छी लगती है, विक्रम भट्ट जैसी बनाते हैं, शायद उनका नाम मैं लूंग ना लू अब आपको। तो ये रही है, अभी हाल ही में राजनीति को गिरफ्तार किया था वेब सीरीज को लेकर, उसका क्या कहना चाहेंगे? जी मैं राजनीति में नहीं बसता। वो जो गंद करेगा वो फंसेगा, हम करेंगे हम भी फंसेंगे, उसके बाद पैसा तो निकल गया। हमारे जैसे लोग जो है वो 3,000 रुपए की चोरी का केस अब भी चार साल हो गए अब तक भुगत रहे हैं। जिस दिन हम करेंगे हम भी फंसेंगे। ऐसे काम करते ही ना भाई, WRC परिवार। हेलो नमस्कार, आई एम पीयू चौहान, योर इंडियन शकीरा। जी बताइए क्या पूछ रहे हैं? WRC के बारे में तो मैं ही बताऊंगा। WRC जो है वो हमारा क्रिप्टो टोकन है, जिसको हम लोग पैनकेक स्वैप से जाकर हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। WRC यही है, जैसे कि बिटकॉइन है वैसे अपने इंडिया का WRC स्वदेशी। इट्स लाइक मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, WRC प्ले इट्स एन प्लेटफॉर्म, DCR प्लेटफॉर्म, ओके, हाँ DCR प्ले एंड प्लेटफॉर्म, इट्स लाइक यू नो इट्स सॉरी VCR प्ले प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। नहीं आई एम सॉरी आई एम जस्ट सेइंग, वी आर ऑल अवेयर हाउ सोशल एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओके, इट्स लाइक यू नो यूज टू मेक आवर करियर। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इससे हमारा करियर बनता है, जो भी लोग घूम रहे हैं कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, तो लेट्स, ये वेरी गुड पावरफुल प्लेटफॉर्म। तो संजय जी ने
इसको VCR को लॉन्च किया है, इट्स लॉन्चिंग पैड और ये बहुत अच्छी चीज़ है सबके लिए अपना टैलेंट दिखाने के लिए। थैंक यू मैम। नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा था। सब साइलेंस हो जाए भाई। जी सर जी। अब इंडियन आर्मी बोल रही है आर्मी वालों के लिए। हाँ सर चलिए बोलिए बोलिए। मैं एक्स कमांडो संजय कुमार चौहान CISF पैरामिलिट्री फोर्स जो आपको हर जगह मिलती है चाहे वो एयरपोर्ट हो मॉन्यूमेंट्स हो चाहे वो जितनी भी एम्बेसीज हो उसके बाद मैं अवरेंद्र कुमार अवस्थी भारतीय तोपखाना से संपर्क करता हूँ जो भारतीय सेना भी है हमारे। मैं अरुण तिवारी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड आर्टिलरी रेजिमेंट से और आज संजय जी के साथ मैं पिछले कुछ समय से जुड़ा हुआ हूँ। जब मुझे पहली बार ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि VCR प्ले में हमारे ये मोटिव्स हैं आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि आज के टाइम पे भी जब दुनिया में बहुत सारी वल्गैरिटी एंड यू नो न्यूडिटीज OTT पे चल रहा है तो कुछ लोग हैं ऐसे हमारे देश में हमारी दुनिया में जो लोग स्टैंड ले सकते हैं इन चीज़ों के खिलाफ। तो ये शायद एक आर्मी वाले का ही जज्बा हो सकता है जो बहाव के विपरीत तैरने की क्षमता रखता है अपने दिल में एक जज्बा रखता है। ये शायद ये वहाँ से निकल के आया है जो इन्होंने अपनी सर्विस की थी और दुनिया में कहा जाता है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा पर आप लोग याद रखें कि त्रिदेव भी सिर्फ तीन थे और यहाँ पे हम तीन खड़े हैं। तो आगे क्या क्या बदलने वाला है आप समझ सकते हैं। जिसके साथ मौज है हरदम उसकी मौज है। Thank you.